हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, इंडिया में एक नई ट्रेन चलने वाली है। कौन सी है? बुलेट ट्रेन चलने वाली है। और कितने सिटीज में चलने वाली है? नहीं, इसका नहीं मुझे आईडिया। 25 सिटीज में ये अपनी सर्विसेज देगी। और क्या मतलब कि एक शहर से दूसरे शहर में जाने वाले लोगों के लिए कितनी आसानी होने वाली है। और इस ट्रेन का नाम भला क्या रखा है उन्होंने? क्या? वंदे भारत। वंदे नहीं, बंदा मतलब पर्सन, वो नहीं, वंदे, वी से वंदे भारत। ये कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने अपने ट्रेन के नाम में भी अपना भारत इंक्लूड कर लिया है। तो आए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस। ट्रेन तो बहुत कमाल की लग रही है, बहुत प्यारी। और इसका वो कलर देख रहे हो ना, ये इंडियन फ्लैग में भी इस तरह का कलर है, वंदे भारत। तो फाइनली गाइस, नई नवेली सैफ्रन वंदे भारत किस रूट पर चलेगी ये पता चल ही गया। जी हाँ, ये कसारगोड से टीवीसी यानी कि थिरुवनंतपुरम की रूट पर चलेगी। और इसी के साथ ये केरला की दूसरी वंदे भारत होगी। पहली वंदे भारत थिरुवनंतपुरम से कसारगोड के लिए चलती थी और ये ट्रेन इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल वंदे भारत थी। इसी डिमांड को देखते हुए ये नई वंदे भारत इस रूट को गिफ्ट की गई है। इसकी लॉन्च 24 सितंबर को होनी है। और सिर्फ यही नहीं, 9 अलग अलग वंदे भारत 24 सितंबर को मतलब हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। लिस्ट कुछ इस प्रकार है दोस्तों। इसी दिन पटना हावड़ा वंदे भारत भी लॉन्च होने वाली है, जिसकी इनॉग्रेशन जर्नी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसकी फर्स्ट कॉमर्शियल जर्नी आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जगह साफ नहीं है ट्रेन के लिए, ट्रेन होती है। आपसे ऐसे ही किसी स्टेशन ने सही बने, बाकी ट्रेन लेवल की है। मेरे ख्याल में ये जो पहले इसके स्टेशन बने हुए हैं लोकल अपना रेलवे के, इसके लिए अलग से कोई रेलवे ट्रैक नहीं बनाया गया। और क्या प्यारी लुक है अपना वंदे भारत ट्रेन की। और इसमें कलर कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये पहले इंडिया के मेरे ख्याल में किसी सिटीज़ में, कई सिटीज़ में चल रही थी और उन्होंने मज़ीद इसको आगे एक्सपेंड किया है। और इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है वो तो बहुत ज़्यादा उनकी ट्रैवलिंग होती है एक शहर से दूसरे शहर, राउंड अबाउट 1.5 बिलियन आई थिंक सो उनकी पॉपुलेशन है। और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ अपना ट्रैवलिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसी चीज़ को मेरे ख्याल में देखते हुए उन्होंने ये वंदे भारत मज़ीद इसको एक्सपेंड करके लॉन्च कर दी है। और आप लोग हमें बताइएगा कि इंडिया में कितने लोग वंदे भारत यूज़ करते हैं या लोकल सफ़र वो कैसे करते हैं। पाकिस्तान में तो पहले वक्तों में वो तांगा हुआ करता था, उस पर करते थे। और लाहौर में भी अपना, ये मेरे ख्याल में बुलेट ट्रेन है। नहीं, ये बुलेट नहीं है। पाकिस्तान में लाहौर में जो चल रही है वो भी बुलेट ट्रेन नहीं है, पाकिस्तान में भी चल रही है। और पाकिस्तान में मेट्रो बस चल रही है, वो काफी अच्छी है। एक ऑरेंज ट्रेन के नाम से है, मतलब ऑरेंज भी ऐसे ही है। वो भी उसकी भी लुक थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती है और उसकी लेंथ भी मेरे ख्याल में इतनी है, पर उसका जो ट्रैक है वो अलग बनाया है। हाँ, उसका जो पुल के ऊपर है। हाँ, अंडरग्राउंड भी है वो ट्रेन। लाहौर में वो जो अपना ऑरेंज ट्रेन बनी है उसका जो रेलवे ट्रैक बनाया ना, वो अलग से सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। और वो कहीं पे ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है, सिर्फ लाहौर के अंदर ही इन साइड लाहौर में चलती है, इतने दूर दूसरी सिटीज में जाने के लिए वो नहीं चलती। और ये मेरे ख्याल में दूसरी सिटीज में जाया करेगी। लाहौर की ऑरेंज ट्रेन भी काफी अच्छी है क्योंकि वो कहीं पे ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है, आपको पूरे लाहौर का व्यू आता है। कमाल के हैं स्टेशन उसके, बड़े कमाल के हैं। जब हम वहाँ पे जाते हैं तो एक दफा हमें भी फीलिंग आती है कि हम भी इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं किसी ना किसी हद तक। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारी हर वीडियो देखें और लाजमी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। और आपने काम ये ज़रूर करना है कि हमें बताइएगा कि आप में से कितने लोग, अभी चूंकि ये लॉन्च हो चुकी है 24 सितंबर इसकी डेट थी और जब तक आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी तो एक वीक आई थिंक सो हो चुका होगा इसको लॉन्च किए हुए। लाजमी कीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि कौन कौन लोग इस वंदे भारत को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वंदे भारत आप लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, इसका किराया कितना है, आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हम मिलेंगे आप लोगों से एक नई मज़ेदार सी रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।